कुरुक्षेत्र पुलिस ने आज एएसडीएम थानेसर अश्वनी मालिक की मौजूदगी में आज सेक्टर 17 में जब मंचलों के खिलाफ अभियान चलाया तो हड़कंप मचना जाहिर था और मंचले भी गधे के सिर से सींग की तरह गायब दिखे। दरअसल पुलिस ने सेक्टर 17 की नाकेबंदी की ओर प्रेशर हॉर्न बजाने वाले लड़कियों पर फबतियां कसने वाले मंचलों को पकड़ा। सुभाष मंडी चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मंचले सेक्टर 17 में प्रेशर हॉर्न बजाते हैं और आती जाती लड़कियों पर फबतियां कसना उनका जीना मुहाल करते हैं, इसलिए आज ही अभियान चलाया गया है और यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। वहीं जागरूक नागरिक नेहा शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र पुलिस का यह बहुत अच्छा प्रयास है, खासकर पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने लड़कियों के हितों के लिए यह कदम उठाया है, यह सराहनीय है। इससे मंचलों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और लड़कों की छेड़खानी कम होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ये अभियान जारी रहेगा। बताएंगे कुलदीप जी, क्या अभियान चलाया हुआ? ये सतारा में इंस्टीट्यूशन काफ़ी एजुकेशन के इसमें जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इसके दौरान जो आवारा गर्दी किस्म के बच्चे हैं, जो प्रेशर हॉर्न बजाते हैं और साथ में सीटियाँ से बजाते हैं या कोई मतलब किलकाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए सीटीएम साहब की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो एमवीएफ के चलान बनते हैं, चलान किए जाएंगे। तो ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा? हाँ जी, ये अभियान भविष्य में जारी रहेगा। हमने चारों तरफ से इसको सील करके ये अभियान चलाया है। यहाँ पर आज खाली नहीं, ये सड़क प्लाट में से ज़्यादा भरी रहती है, लेकिन आज यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि पुलिस क्या करी है और जो मोटरसाइकिल से बुलेट से पटाखे बजाते हैं उनके चलान करे जा रहे हैं, जो ट्रैफिक मैनेज करे जा रहे हैं कहेंगे पुलिस ने जो अभियान चलाया है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है कुरुक्षेत्र पुलिस का और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कुरुक्षेत्र की एसपी आस्था मोदी जी का, जिन्होंने लड़कियों के लिए ये जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा प्रयास है। यहाँ पर जो लड़कियाँ आती थी वो हमेशा परेशान रहती थी, ईव टीजिंग करते थे लड़के, लेकिन आज ये जो कदम उठाया गया है एसपी की तरफ से ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो मैं एक बार और थैंक यू कहना चाहूँगी कुरुक्षेत्र की एसपी आस्था मोदी जी को। तो क्या आपको क्या लगता है कि इससे कुछ अंकुश लग पाएगा जो मंचलों की गतिविधियाँ हैं? जी हाँ, देखिए आज जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस खड़ी है तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल जो है सुरक्षित माहौल है पुलिस के आने से। लेकिन देखा जाता था कि यहाँ पर ज़्यादातर जो थे लड़के यहाँ पर खड़े रहते थे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए नज़र आते थे, लेकिन ये जो प्रयास किया है आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। तो इस तरह के प्रयास जो है भविष्य में भी जारी रहने चाहिए ताकि अंकुश लगे? बिल्कुल, ऐसे प्रयास होने चाहिए टाइम टू टाइम ताकि लड़कियाँ भी सुरक्षित रह सकें, और ये प्रयास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए।